तो दोस्तों, जब भी हम किसी डायनासोर के बारे में देखते हैं या सुनते हैं तो उनके बारे में जानकर हम काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं, क्योंकि डायनासोर अपने समय का सबसे खतरनाक और बड़ा जानवर हुआ करता था। हालांकि ये माना जाता है कि इन दैत्यकार जानवरों का अंत आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले एक प्राकृतिक घटना के चलते हमारी धरती पर हो चुका है, जिनके अवशेष हमें आज के समय में धरती के नीचे मिल रहे हैं। और इन्हीं अवशेषों से वैज्ञानिकों को पता चला है कि ये उस समय में कितने ज्यादा बड़े होते थे। हालांकि वैज्ञानिक अब तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि हमारी धरती पर सबसे बड़ा डायनासोरस कौन सा होता था, क्योंकि वैज्ञानिकों को कई बड़े बड़े डायनासोरस के फॉसिल्स मिले हैं। हालांकि डायनासोरस के कुछ रहस्य ऐसे हैं जो कि अब तक हमारे सामने नहीं आ पाए हैं, जिसके बारे में वैज्ञानिक अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिक इन डायनासोरस को एक बार फिर से जिंदा करने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि जैसा कि हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि डायनासोरस को एक बार फिर से जिंदा करने के लिए हमें इनके डीएनए की जरूरत पड़ेगी। लेकिन निराश कर देने वाली बात तो ये है कि अब तक वैज्ञानिकों को डायनासोरस से मिलता जुलता कोई भी डीएनए नहीं मिला है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी उनकी रिसर्च आधी अधूरी है। ऐसे में हो सकता है कि फ्यूचर में उन्हें ऐसा कोई फॉसिल मिल जाए या ऐसा कुछ मिल जाए जिससे कि हम डायनासोरस के डीएनए को हासिल कर पाएं, जिसकी मदद से हम डायनासोरस को एक बार फिर से धरती पर वापस ला पाएंगे। लेकिन एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि वैज्ञानिकों ने डायनासोरस को एक बार फिर से किसी तरह जिंदा कर दिया, तो आखिर क्या होगा? क्या तब भी हम अपनी लाइफ धरती पर सरवाइव कर पाएंगे? तो दोस्तों, इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि डायनासोर्स के युग से आज के युग का वातावरण काफी ज्यादा अलग है, यानी कि तकरीबन 25 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर एटमॉस्फेयर कुछ इस तरह से था जिसमें डायनासोर्स अपनी लाइफ को बड़ी ही आसानी से सर्वाइव कर पाते थे। ऐसे में उस समय में पेड़ पौधे भी काफी ज्यादा बड़े हुआ करते थे, जिससे कि धरती के एटमॉस्फेयर में उस समय ऑक्सीजन भी काफी ज्यादा प्रोड्यूस होती थी, जिससे कि डायनासोर्स उस समय में हमारी धरती पर बड़ी ही आसानी से रह पाते थे। और यदि हम धरती के आज के एटमॉस्फेयर को देखें तो ये इंसानों और कुछ छोटे जीवों के रहने लायक बिल्कुल सही वातावरण है, लेकिन आज का वातावरण डायनासोरस के रहने लायक सुटेबल नहीं है। ऐसे में यदि हम आज के समय में डायनासोरस को जिंदा करते हैं तो हो सकता है कि वो हमारी धरती पर ज्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव ना कर पाए। लेकिन चलो, हम मान लेते हैं कि वैज्ञानिकों ने ऐसे डायनासोरस को तैयार कर लिया जो कि आज के वातावरण के हिसाब से सुटेबल है। ऐसे में डायनासोरस या फिर किसी भी विलुप्त हुए जीव को दोबारा वापस लाना एक क्लोनिंग प्रोसेस है, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से किया जा सकता है। हालांकि वैज्ञानिक पहले भी कई जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से कई जीवों के क्लोन्स को तैयार कर चुके हैं, जैसे कि डॉली द शिप। ये साल 1996 में किसी दूसरी भेड़ की जीन से तैयार की गई थी, जो कि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया सबसे पहला क्लोन था। इसके अलावा साल 2013 में कई सैकड़ों साल पहले विलुप्त हो चुके गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग को दोबारा क्लोन करने में भी सक्सेस हासिल की है। और इससे इंस्पायर्ड होकर वैज्ञानिकों ने तकरीबन 20,000 साल पहले विलुप्त हो चुके होली मैमथ और 11,000 साल पहले विलुप्त हो चुके सेवर टूथ शेर को दोबारा वापस लाने के लिए अपनी रिसर्च शुरू कर दी है। ऐसे में 2050 में एक ऐसा वर्ल्ड भी होगा जिसे हम डायनासोरस के साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, ये उससे ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। ऐसे में हमें फ्यूचर के डायनासोरस को देखने के लिए अपनी टाइम मशीन की मदद से अपने फ्यूचर में यानी कि साल 2060 में जाना होगा। इस वक्त सब कुछ बदल चुका है। इस वक्त आपको चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और उड़ने वाली कार्स दिखाई दे रही होंगी। इस वक्त चारों ओर टेक्नोलॉजी का ही बोलबाला है और हमें चारों तरफ सिर्फ डायनासोरस ही देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिक डायनासोरस को दोबारा वापस लाने में सक्सेस हासिल कर लेते हैं तो सबसे पहले एक सचमुच का जुरासिक पार्क खोला जाएगा। ऐसे में जिस तरह हम अलग अलग तरह के जानवरों को देखने के लिए जू में जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ही हम जुरासिक पार्क में भी जाएंगे, जहाँ पर हमें कई तरह के अलग अलग डायनासोर देखने को मिल जाएंगे। इनमें से बहुत से डायनासोरस ऐसे होंगे जो कि शाकाहारी होंगे, जैसे कि डिप्लोडोकस डायनासोर जो कि एक शाकाहारी डायनासोर है। ऐसे में डायनासोरस अन्य जीवों के मुकाबले काफी बड़े और ताकतवर होते हैं। ऐसे में इनका इस्तेमाल जुरासिक पार्क के अलावा कई अन्य कामों के लिए भी किया जाएगा। ऐसे में हम शाकाहारी डायनासोरस का इस्तेमाल हम एग्रीकल्चर फील्ड में भी कर सकते हैं, जहां इनकी अधिक एनर्जी का इस्तेमाल हम खेती करने में भी कर पाएंगे, जिसकी मदद से हमारा फूड प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा अधिक होगा, जिससे कि हम दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को हम फल सब्जियां या अन्य फूड की सप्लाई कर
पाएंगे, जिससे कि बहुत से लोग जो कि मांसाहारी से शाकाहारी बन जाएंगे। और इतना ही नहीं, इसके अलावा कई छोटे डायनासोरस को भी तैयार किया जाएगा। ऐसे में कुछ समय बाद आप देखेंगे कि डायनासोरस अब पालतू जानवर के रूप में भी बदल रहे हैं, जिससे कि आप भी अपना एक छोटा पेट डायनो को खरीद पाएंगे। वो आपके साथ खेलने के साथ साथ कई स्मार्ट ट्रिक्स भी सीखेगा और इनका दिमाग चिकन से बिल्कुल अलग होगा। और डायनासोरस लवर हॉर्स की जगह डायनासोरस की पीठ पर बैठकर भी दौड़ लगाएंगे, जिसमें शायद प्लांट खाने वाले और सबसे तेज दौड़ने वाले हाइड्रोसोरस घोड़ों की जगह ले सकते हैं। और कई लोग इसका इस्तेमाल अपने घर की रखवाली के लिए भी करेंगे। और यदि कुछ डायनासोर ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट हुए तो इनका इस्तेमाल कई जगह पर सिक्योरिटी के लिए और कई जगह पर इनका इस्तेमाल मिलिट्री में होता हुआ भी देख पाएंगे। लेकिन जो टीरेक्स जैसे कई मांसाहारी डायनासोरस होंगे, उन्हें हम जंगलों में खुला ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आज के समय में ऐसे कोई भी जीव नहीं है जो कि टायरानोसोरस, स्पाइनोसोरस और वेलोसिरैप्टर्स के साथ सर्वाइव्ड कर पाए। ऐसे में ये खूंखार और मांसाहारी डायनासोरस एनिमल्स के साथ साथ इंसानों के लिए खतरा भी बन सकते हैं। इसके लिए हमें मानव जीवन से दूर किसी आइलैंड पर जुरासिक पार्क बनाना होगा, जहां पर इन्हें रखा जाएगा। जबकि जो समुद्रों के डायनासोरस होंगे, जैसे कि इक्टियोसोरस, प्लेजियोसोरस और मोसासोरस, इन मरीन रेप्टाइल्स के लिए समुद्र एक सुरक्षित जगह होगी, जो कि ह्यूमन लाइफ में इंटरफेयर किए बिना भी खुशी से रह सकते हैं। ऐसे में जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसा ही हो, क्योंकि इन मरीन रेप्टाइल्स की भूख काफी ज्यादा अधिक होती है, जिससे कि इनके लिए समुद्र की मछलियाँ कम भी पड़ सकती हैं। ऐसे में ये बढ़ती भूख के चलते ये समुद्री रास्ते से गुजर रहे समुद्री जहाजों पर भी हमला कर सकते हैं। इसके अलावा मछली पकड़ रहे मछुआरों व समुद्री किनारे जा रहे इंसानों पर भी इनका हमला हो सकता है। और साथ ही समुद्रों में मछलियों के खत्म हो जाने की वजह से हमारे नेचर पर भी इसका बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। तो ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि फ्यूचर में हम इंसान डायनासोरस के साथ सर्वाइव कर पाएंगे, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले, यदि हमें फ्यूचर में डायनासोरस को दोबारा जिंदा करना है तो हमें काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और इससे ज्यादा कॉस्ट हमें डायनासोरस को जुरासिक पार्क में मैनेज करने की आएगी, जिनका खर्चा मिलियंस ऑफ डॉलर्स होगा। ऐसे में कुछ डायनासोरस बड़े आकार के भी होंगे, जिनकी भूख भी काफी ज्यादा अधिक होगी। फिर चाहे डायनासोरस मांसाहारी हो या फिर शाकाहारी, हमें इनकी फूड सप्लाई चेन और फूड मैनेजमेंट को मेंटेन करके रखना होगा। ऐसे में हमें मांसाहारी डायनासोरस के लिए डेली कई टनों तक एनिमल्स खोस्ट को प्रोवाइड करना होगा, जिससे कि हमारी धरती पर एनिमल्स की आधी प्रजातियां तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। और यदि हम शाकाहारी डायनासोरस की बात करें तो उनके लिए भी कई बड़े बड़े पेड़ों की जरूरत पड़ती है, जिससे कि हमारी धरती पर कई बड़े बड़े जंगल्स जल्दी ही खत्म हो सकते हैं, जिससे कि हमारी धरती पर बाकी बचे कई जंगली जानवरों का आशियाना भी छिन सकता है। और इसके अलावा हमारी धरती पर सूखे जैसी नौबत भी आ सकती है, और इसका इफेक्ट हम इंसानों पर भी पड़ सकता है, जिससे कि हमारी धरती पर लाइफ धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। ऐसे में हमें फ्यूचर में अपने ही बनाए डायनासोरस को खत्म करना पड़ सकता है। अगर हम चिकन जैसे छोटे डायनासोरस की बात करें तो वो हमारी धरती पर बड़ी ही आसानी से रह सकते हैं, जो कि कबूतरों की तरह सड़कों पर या फिर चूहों की तरह बिल में रह सकेंगे। और यदि डायनासोरस ज्यादा बड़े ना हुए या फिर बड़े डायनासोरस काफी कम संख्या में हुए, तो हो सकता है कि हम किसी तरह फ्यूचर में डायनासोरस के साथ सर्वाइव कर पाएं। और यदि सब कुछ ठीक रहा तो 2050 में तो हमारे बचपन का जुरासिक पार्क में जाने का सपना सच हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।